welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. Hi, I'm Ashi and आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में. So let's just get started with our video. So जैसे कि आपको पता होगा कि वर्धा में गणेश फेस्टिवल बहुत बड़े स्केल पर होता है. So रहते होंगे तो आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ा गणेश फेस्टिवल या फिर सबसे ग्रैंड स्केल पर कहीं किया जाता है तो वो दत्ता मेघे कॉलेज में किया जाता है, मेडिकल कॉलेज में. बट अभी कोरोना की वजह से सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वैसे ग्रैंड स्केल पर किया जाए. सो इस बार का जो गणपति फेस्टिवल था वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक था एंड इट जस्ट यू नो व्हाट आई जस्ट मिस कि जो एंट्रेंस है दत्ता मेघे गेट की, वहाँ से लेकर कॉलेज तक पूरी लाइटनिंग से भरा होता था एंड बहुत कुछ देखने के लिए रहता था. साथ में मेला लगता था, बहुत सारे छोटे शॉप्स लगते थे. बट अगेन अगर सिचुएशन इससे बेटर होती सो शायद ऐसा हो पाता. एंड आई गेस कि अभी जैसा माहौल है, अभी जैसी चीज़ें चल रही हैं या चीज़ें जैसी होती है होंगी, पता नहीं, वी डोंट नो कि सिचुएशन कैसी होंगी सामने की. सो वी आर ब्लेस्ड कि इस साल हम एटलीस्ट गणपति देखने जा सकते हैं. सो एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार का गणपति बहुत छोटा सा था, बट आई थिंक इट्स फेयर बिकॉज सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, सो व्हाई नॉट. एंड डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक थी. जो फाउंटेन्स थे वो शुरू नहीं थे. ए मिस दोज फाउंटेन्स, वहाँ पर अलग अलग तरह के लाइट्स लगते थे एंड एवरीथिंग. सो आई मिस दैट. बट क्या कर सकते, बहुत कम स्टूडेंट्स थे. मोस्टली गणपति देखने जो लोग आए थे, मुझे उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स दिखे, फैमिलीज बहुत कम थी. एंड आई डोंट नो कि सबको अलाउ है कि नहीं, या फिर बहुत कम ही लोग जा सकते हैं, आई डोंट नो. बट बहुत कम लोग थे जैसे कि आप देख सकते हैं. आजू बाजू का पूरा जो माहौल है बहुत ही पीसफुल था. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना साइलेंट एंड पीसफुल माहौल कभी नहीं था. एंड एज वेल एज जो 2012 में, आई गेस 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, सो वो वर्ल्ड कप भी वहाँ पर बना हुआ था, जिसके आजू बाजू लाइट्स लगा करते थे पहले, बट अभी नहीं है. एंड जहाँ पर गांधी जी की स्टैचू है वहाँ पर भी लाइट्स लगती थी, बट वो भी अभी नहीं दिखा. तो बात कर रही थी कि दत्ता मेघे कॉलेज में बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति बैठा करती है हर साल गणेश चतुर्थी के वक्त. सो ये है ना, आपको मे बी अगर आप वर्धा के नहीं होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि ये जो सिलसिला चला आ रहा है गणेश चतुर्थी का, वो 1991 से चला आ रहा है जब ये कॉलेज बना था, विच इज़ अ रियली आई डोंट नो, इट्स अ रियली ग्रेट थिंग. क्योंकि उस वक्त पूरे स्टूडेंट्स, स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी जो मेंबर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो सभी ये 10 दिन बहुत इंजॉय करते हैं. एंड जो भी उस कॉलेज में पढ़ता हो ना पढ़ता हो, उन सब के लिए बहुत स्पेशल चीज़ होती है, बहुत स्पेशल बात होती है गणेश फेस्टिवल का. एंड मुझे याद है स्कूल जाया करते थे, सो वहाँ पर हमें गणेश जी की मूर्ति दिखती थी एंड हम स्कूल में होते थे तो हमें आरती सुनाई देती थी. सो इट्स रियली स्पेशल
जो भी वर्धा में रहते होंगे उनके लिए एंड जो भी गणेश जी लाइक गणेश फेस्टिवल इंजॉय करने कॉलेज में आते हैं उन सब के लिए. आई गेस वी ऑल मिस दोज थिंग्स एंड जल्दी से पेंडेमिक एंड कोरोना जो भी है वो ख़त्म होना चाहिए ताकि हम फिर से अपने फेस्टिवल्स वैसे ही इंजॉय करें जैसे हम पहले करा करते थे. सो दत्ता में ये ऑडिटोरियम है वहाँ पर हर साल स्टूडेंट्स टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ सभी लोग सभी लोग मिलकर अलग अलग दिन उनके परफॉर्मेंस रहते थे वहाँ पर प्रोग्राम्स होते थे. सो वो चीज़ बहुत इंजॉयबल करती थी गणेश फेस्टिवल. और हम यहाँ पे गौरी पूजन के लिए गए थे सो वहाँ का डेकोरेशन एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छा था. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद यू गाइस. और जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी आई है इसके बाद नवरात्रि आई है आप सबकी विशेस पूरी हो जाए एंड आई विश यू टू हैव अ सेफ फेस्टिव सीजन जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है. सो लेट्स एंजॉय एंड बी सेफ. आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो एंड आई एंजॉय दिस मेकिंग इट फॉर यू गाइस. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो कमेंट डाउन बिलो एंड subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and your loved ones.